जनता पार्टी पहला विधानसभा चुनाव के लिए पहला लिस्ट आज घोषणा किया है और फाइनल लिस्ट दशहरा के बाद नेक्स्ट जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मीटिंग होगा दिल्ली में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जब भी मीटिंग होगा उस मीटिंग में फाइनल लिस्ट हम घोषणा करेंगे। आज जो लिस्ट किया है उसमें प्रत्याशी वो सीनियर लीडर्स है सभी लोग इसमें शामिल है। तीन सांसद भी लड़ रहे और तीन विधायक भी लड़ रहे, लगभग 12 XMLAs भी है, लगभग 3 XMPs भी है, म्यूनिसिपल चेयरमैन भी है। ऑलमोस्ट जो लिस्ट आज घोषणा करने के बाद सभी एक अच्छे रेस्पॉन्स जनता के बीच में से आ रहे, पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर भी, टीवी डिस्कशन के अंदर भी। बीजेपी अच्छा मेहनत करके एक्सरसाइज करके अच्छा लिस्ट लाया, ऐसा सबका रेस्पॉन्स है। मेरा पूरा विश्वास है फाइनल लिस्ट भी ऐसे ही रहेंगे और चुनाव में भी ऐसी रेस्पॉन्स हमारे को मिलेगा। अभी आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी लगभग 5 मीटिंग्स एड्रेस किया है, आदरणीय अमित शाह जी भारत सरकार के होम मिनिस्टर 3 मीटिंग्स एड्रेस किया है, रक्षा मंत्री 2 मीटिंग्स एड्रेस किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 मीटिंग एड्रेस किया है। आने वाले दिन में हर विधानसभा में एक नेशनल लीडर्स का मीटिंग होगा, सेंट्रल मिनिस्टर हो, नेशनल मिनिस्टर्स हो, सभी लोग मिलकर एक विधानसभा एक पब्लिक मीटिंग होगा। उसके अलावा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आदेश दिया है पार्टी पूरा कैंपेन डोर टू डोर जाना चाहिए, हर वोटर से मिलना चाहिए, इसमें ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देके इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहिए ऐसा बोले। फिर भी हम स्टेट पार्टी की तरफ से पूरा हर असेंबली में बड़ा पब्लिक मीटिंग करने का निर्णय किया है, उसका व्यवस्था शुरू किया है। इस महीने 27 को आदरणीय अमित शाह जी आ रहे, उसके बाद 28-29 दो दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं, उसके अलावा रक्षा मंत्री जी आएंगे, अलग अलग मिनिस्टर्स भी आएंगे, असम के मुख्यमंत्री भी 2 दिन इसी महीने में आने वाला है। मैं चाहता हूं हर जगह भारतीय जनता पार्टी का संदेश हर वोटर को मिले, वो पब्लिक मीटिंग के द्वारा हो और डोर टू डोर कैंपेन के द्वारा हो। नरेंद्र मोदी जी का मैसेज, भारतीय जनता पार्टी का मैसेज हर वोटर को जाना चाहिए, हमारा कार्यकर्ता हर व्यक्ति से मिलना चाहिए, ये हमारा इलेक्शन कैंपेन का स्ट्रैटेजी है। सर, आप यहां पर दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, पर ऑपोजिशन पार्टी राहुल गांधी जी परसों तक आकर गए हैं और आज KTR ने कल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टॉप सीट्स भी नहीं जीत सके। सही बात है, दोनों एक ही बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी का और KTR का, कांग्रेस पार्टी का, BRS पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के विषय पर एक ही टोन रहता है। भारतीय जनता पार्टी उनका दोनों के लिए हमारा प्रत्याशी है, क्योंकि दोनों एक ही है, कांग्रेस पार्टी हो BRS पार्टी हो, दोनों ट्विन्स है। दोनों BRS का अगर वोट दिया कांग्रेस दिया ऐसा होता है, BRS को वोट दिया कांग्रेस दिया ऐसा होता है, इसीलिए हमारे लिए कोई नया बात नहीं है, क्योंकि वो दो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में फिर सरकार ना आए, हमारा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार आना चाहिए, उसमें BRS पार्टी जय नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हम पहले से बोल रहे हैं ये दोनों एक ही है। आज का जो रिसेंट दोनों का स्टेटमेंट, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट हो और KCR परिवार का स्टेटमेंट हो, दोनों एक ही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।